गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 13 गुड फूड हैबिट्स की पार्ट 3 कंप्लीट की थी। इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेट एंड मेंशन करना है। हेडिंग क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू वी ईट फूड, हम खाने क्यों खाते, क्यों खाते आपको खाना पता है ना, क्यों खाते ताकि आपको एनर्जी मिले ना और आपको आप ग्रो हो सको। तो वी ईट फूड बिकॉज हम खाना खाते हैं क्योंकि फूड हेल्प अस टू ग्रो, फूड हमें हेल्प करता है बढ़ने के लिए। एंड क्यू एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, और हमें एनर्जी देता है, एनर्जी किसे देता है, ताकि हम कोई भी काम कर सके और खेल सके। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अबाउट टू गुड फूड हैबिट्स, आपको दो गुड फूड हैबिट है हमें लिखनी। टू, फर्स्ट है ऑलवेज कीप कवर्ड फूड, हमें हमेशा ढका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, वी शुड नॉट वेस्ट फूड, हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई शुड वी नॉट बाय फूड आइटम्स फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर्स, गली में जो बेचने वाले आते हैं फूड आइटम्स, उनसे हमें क्यों नहीं खरीदना चाहिए। बिकॉज दे सेल अनकवर्ड और स्टील फूड, क्योंकि ये क्या उनके एक तो पहले तो फूड क्या होता है, अनकवर्ड होता है। जब इस फूड आपने देखा होगा कोई स्ट्रीट वेंडर्स आते हैं और अनकवर्ड होता है तो उनको जो भी मच्छी वगैरह आज बैठती तो क्या होता है, जम्स आती, और अगर हमको खा लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो ये क्या हम कौन सा फूड देते हैं, अनकवर्ड फूड देते हैं, स्टील और पुराना भी होता है, कपास से खाना होता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू वी नीड बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट की जरूरत क्यों होती है, बिकॉज इट कीप्स अस हेल्दी, क्योंकि एक बैलेंस डाइट हमें हेल्दी रखती है एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसेस, और हमें क्या करती है, हमें डिसेस से प्रोटेक्ट यानी कि बचाकर रखती है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आपकी ईबीएस की वर्क बुक